देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के सामने से मिली संदिग्ध कार के मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। दरअसल अब यह मामला आतंक से जुड़ता जा रहा है। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार रखने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ले ली है। संगठन ने यह सूचना टेलीग्राम ऐप के जरिए दी है। आतंकी संगठन ने एक संदेश के जरिए जांच एजेंसी को चुनौती दी है। संदेश में लिखा है, रोक सकते हो तो रोक लो, तुम कुछ नहीं कर पाए थे जब हमने तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में तुम्हें हिट किया था। तुमने मोसाद के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके आखिर में लिखा है, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो जो तुम्हें पहले कहा गया है। दरअसल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध कार और 20 जिलेटिन की छड़े मिली थी। बुधवार रात को 1 बजे के आसपास स्कॉर्पियो को खड़ा किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में घर के बाहर 2 गाड़ियां देखी गई थी जिनमें एक इनोवा भी शामिल थी। गाड़ी का ड्राइवर एसयूवी को एंटीलिया के बाहर पार्क करके चला गया था। संदिग्ध कार दिखने के बाद अंबानी के घर के सुरक्षा कर्मियों ने स्थानीय पुलिस को इसके बारे में सूचित किया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू कर दी थी। जो गाड़ी मिली थी, इस संदिग्ध गाड़ी में से एक पत्र भी मिला था जो हाथ से लिखा गया था, जिसमें लिखा था, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है नीता भाभी, मुकेश भैया ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। गौरतलब है कि जैश उल हिंद वही आतंकी संगठन है जिसने अभी हाल ही में दिल्ली में इजरायली दूतावास के सामने विस्फोट कराया था। इस संगठन ने उस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए एक संदेश भी जारी किया था। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और एनआईए दोनों मिलकर जांच कर रहे हैं। पुलिस ने पहले ही मामले में टेरर एंगल का अंदेशा जताया था। हालांकि किसी आतंकवादी संगठन की ओर से जिम्मेदारी न लेने से पुलिस साफ तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर रही थी।